परिषद समाज सेवी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 101 जगह सामने हमारे नंबर वन के लिए उड़ाए हैं और आज जो गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड के मनीषी है उन्होंने इंदौर नगर निगम को ये अवार्ड भी दिया है। प्लास्टिक बैन भी किया गया है, अगर आप शहर घूमेंगे आज से जो 3 महीने पहले जो प्लास्टिक की स्थिति थी वो मेरे ख्याल से 90% उन्होंने क्लियर कर दी है और प्लास्टिक प्रतिबंधित नहीं हुआ है। 50% से कम की जो बॉटल प्रतिबंध वही प्रतिबंधित है, जितने भी गुब्बारे के जो दूरी जो रहता है वो उससे मोटी साइज का रहता है, जब पानी से हवन कर जाती है तो मोटी उसमें हो जाता है। वैसे तो प्लास्टिक की जैसे बॉडी नुकसानदायक है, इसको भी हाइड्रेटिंग करके उसको पैक किया जाएगा आने वाले समय में, पर इससे ऐसा तो बदल है इसके बाद मोटी है कि प्लास्टिक का जो दुष्परिणाम होते हैं प्लास्टिक ऐसे बहुत ही होना चाहिए, तभी 50% से कम ही हम सर इनिशिएटिव लिया गया था स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें एक साथ मोर देन 100 लोकेशन में 125,000 बलून छोड़ने का एक शेड्यूल बनाया गया था, दिया गया था। और इसको आज अभी मेरे प्रेजेंस में राजवाड़ा चौक में जो एक लोकेशन थी उसमें एक साथ मोर देन 1000 बलून उड़ाए गए, ऐसे मोर देन 100 लोकेशंस में इसको किया गया, जिसको हमने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट नंबर ऑफ बलून अनलेस साइमल्टेनियसली एट मल्टीपल लोकेशन के रूप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में लिया है। और इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए मैंने इसका एक प्रूफ सर्टिफिकेट अभी प्रदान किया। इसके पूर्व में रिकॉर्ड कहाँ था? इससे पूर्व में US का रिकॉर्ड था जिसमें करीब करीब 51,000 बलून उड़ाए गए थे मल्टीपल लोकेशंस में और इट वॉज अराउंड 2002 के आसपास रिकॉर्ड।